going. Come on! जब इसको बहुत ज्यादा इसको लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आ जाएगा ये, और जैसे 95% इसका ठीक हो जाएगा, इतना परेशान करेगा कि फिर हमें रिलीज करना पड़ता है, और वही तो जो इसका जरा सा बचा होता है ना वही उसके लिए, फिर ये स्क्रैच करेगा, थोड़ा सा लगेगा, फिर मक्खी लगेगी, फिर और ज़्यादा होगा, और फिर मैगेट पड़ जाएंगे। जब इसकी हालात जब ख़राब हो जाते हैं ना, तब आके गेट के पास आ जाएगा फिर कि मैं फिर से आ गया। उसको पता है कि है वहाँ बैठी हुई एक बिल्ली जो कुत्तों को लेकर बैठी रहती है, तो मैं भी चला जाऊँगा, मेरा इलाज भी हो जाएगा। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 4-5 बार के साथ ऐसा हो चुका है। अगला रॉबिन की न्यूटर सर्जरी है ना, तो खाना और पानी अगर बचा हुआ है तो पानी भी हटा दो, खाना का बोल भी हटा दो, और दिन भर रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देना ना, सेकंड हाफ में सर्जरी करेंगे, ठीक है। रॉबिन को हमने जब से रेस्क्यू किया है तभी से वो काफी अग्रेसिव है, तो फिर हम उसको पोलन रोप के साथ बॉक पे लेके जाते थे, तो पोलन रोप वो आसानी से पहना लेता था। तो उस दिन हमने न्यूट्रल सर्जरी करने लगे थे उसकी, तो हमने उसको पोलन रोप पहना दी, उसको फिर आउट पेशेंट एरिया में लेके गए। दीदी हमने उसको 2 पोलन रोप पहनाई, क्योंकि हमारी पहले वाली जो एक पोलन रोप थी वो काफी कमजोर थी, उसको इंजेक्शन लगाना काफी मुश्किल हो रहा था, तो फिर पीछे से गौरव ने उसके टांगे पकड़ी, फिर उसको पीछे खींचा है, फिर हमने आगे से पोलन रोप से उसको खींचा, फिर जाके उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, और बाद में हमने उसकी न्यूट्रल सर्जरी कर दी। आ जाओ ना बाहर, देखो देखो ज्योति को, देखो अमन अमन ज्योति को देखो, मार मार गर्मी है, मैं नहीं आऊंगी। किसा छोड़ा भाई? हमें पता नहीं, शाम को 6 बजे के करीब किसी ने छोड़ा हुआ, मैं जब आया नीचे से 6 बजे तो ये कुत्ता इधर ही घूम रहा था, 2 दिन इधर ही बैठा रहा ये कुत्ता, फिर मैंने इसको कल भी खाना दिया, आज भी मैं सुबह देखने आया इसको। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया ना, ये खुद ही केज में आ गया अपने आप से। तो जैसे ही हमें कल कॉल आई तो हमने तो तुरंत ही इसको यहाँ पर शिफ्ट करवाने के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि ब्रीड डॉग्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है स्ट्रीट पर रहने में, और हमें एक डर ये भी था कि अगर इनकी डॉग फाइट हुई तो जो एरिया है वहाँ के दूसरे डॉग्स भी इंजर हो सकते हैं, और ये भी ज़्यादा इंजर हो सकता है क्योंकि इनकी बाइट भी बड़ी तेज़ होती है, और ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा वीक है तो इसको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता था सब चीज़। अब्यूज्ड लग रहा है क्योंकि रैंडम जगहों पे छोटे छोटे वूंड है, नीचे भी इसके काफ़ी वूंड है छोटे छोटे, लेकिन कोई बड़ा घाव नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, इसको अच्छे से तो नहीं रखा गया है, और ये पट्टा पहले से लगा हुआ था इसके गले। इतने बुरी कंडीशन में आते हैं स्पेशली हमीरपुर वाला एरिया से इतने डॉग रेस्क्यू किए हैं पिटबुल, जैसे अमीरपुर हो गया, उन्ना हो गया, यहाँ पे ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे बैकयार्ड ब्रीडिंग होती है, डॉग फाइटिंग भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो जो डॉग उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या पूरी तरीके से यूज़ कर चुके हैं उसको ब्रीडिंग के लिए, उनको फिर वो लोग छोड़ देते हैं। इसकी एज लगभग 3-4 साल के बीच में होगी, ओनर ने इसको अबैंडन कर दिया है, और स्ट्रीट में रहने की वजह से इसके स्किन इन्फेक्शन हो गया। स्किन इन्फेक्शन में मेनली ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें नहीं लग रहा है कि मेंज की दिक्कत होगी इसमें, और साथ ही साथ ये काफ़ी वीक भी है, तो हम इसकी रेगुलर डाइट्स और एक्स्ट्रा डाइट दोनों ही स्टार्ट करेंगे ताकि अपना नॉर्मल बॉडी वेट गेन जल्दी अचीव कर ले और ये जल्दी ठीक हो जाए। राधे जबरीली को हम लोग अडॉप्शन के लिए अब आगे पुश कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि अब उसकी रिकवरी पहले से तो काफी बेटर हो गई है, तो उसका दोनों पैर यूज कर रही है पीछे वाले अपने। हाँ हाँ बिल्कुल, गिरती तो नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं गिरती। ट्रीटमेंट हमने बंद कर दिया, सिर्फ सप्लीमेंट दे रहे हैं ना कैल्शियम के, ठीक है, तो वो तो अभी तक चलेंगे ना क्योंकि वो छोटी है ना। हाँ छोटी है। क्या हुआ क्या इसको? इसकी वैसे एक बिल्ली थी ना, उसकी माँ मर गई ना इसकी, अच्छा। 2 बच्चे थे, कुत्ते ने खा लिया, बस यही बच्ची है, बस एक, कोई भी नहीं इसको रख रहा था, मैंने इसको रखा था रात को, 2 बच्चे थे, सुबह 4 बजे इसको दोनों को बच्चों को दूध पिलाया मैंने, तो एक बच्चा मुझे मिला नहीं, तब एक मर गया, यही बच्ची है बस। सब एक जैसे ही दिखते हो तुम, सारे के सारे एक जैसे दिखते हो। कहाँ लगी भी नहीं है इसको? कोई भी लगी नहीं। अच्छा, अडॉप्शन के लिए सीधा ले आए इसको? जी कुछ अच्छा चिंगुश।
हमारे घर से तो 10 दिन हो गए इस कुत्ते को गायब। नहीं सर, हमारे पास ये पिछले 1-1.5 महीने से। नहीं मैम, उसको तो बहुत अच्छे से रखा है। सर उसकी कंडीशन ऐसी तो थी नहीं कि वो अच्छे से उसको रखा गया है करके। पूरे पेट में इंजरी थी जब वो मिली थी, उसकी हालत खराब थी, उसको पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं मिला था। अब तो ठीक हो गई ना सर। मैं मिलने के लिए तो बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मुमू, मुमू है अभी। क्या नाम रखा आपने इसका? पहचान नहीं रही आपको? लेकिन आपने खरीदी थी? हाँ जी, हम जलंधर से लेके आए। मैंने बिल्कुल छोटी सी लेके आए था, बच्चा। 15-20 दिन ऐसे? 5-6 दिन। 5-6 दिन की दूध से पाली हुई है। 2 महीने से पहले माँ से अलग नहीं करते ना बच्चे को? 2 महीने तक पूरा दूध पीते हैं तो इसकी इम्यूनिटी कम है। इसके कान आपने कटवाए? कान ये उधर से ही थे सर। 5 दिन में थोड़ा कान काट दिए होंगे। नहीं नहीं, फिर उसके बाद मेरे जीजू उधर ही रहते हैं ना, फिर वो लेके गए थे। पता नहीं उन्होंने कटवाए, पता ही नहीं आपको। नहीं, कान कटवा दिया। पता क्या, इस चीज का आपको भी तो पता। इस चीज जब आपके पास आई थी तब कटे हुए थे कि नहीं कटे हुए थे? नहीं, तब नहीं कटे हुए थे। आपने बाद में कटवाए ना? बाद में कटवाए। हमारे पास एक और थी, एमी नाम की थी, ऐसी थी क्योंकि उसके भी कान। आप कह रहे हो कि क्योंकि हमने और कुत्तों के भी कान काट रखे हैं, हमने इसके भी काट दिए। अभी इसमें इतने चांसेस होने, इसके बीमार होने के पूरा ओपन है इसका ईयर, गंदगी जाने का, सब कुछ होने का, पानी जाने का, गंदगी उसके भी। आपको पता है गैर कानूनी है कान काट, दर्दनाक भी है ना। आप बताओ ना, जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, किसी और के साथ क्यों करना? अगर आपने जैसे अच्छे से रखी होती, चलो घर से भाग गई वो अलग बात है। वो तो वैसे भी लोग यहाँ पे देखने आते हैं कि भाई कुत्ता कई बार भाग जाता है तो यहाँ देखने आते हैं। क्योंकि क्रुएलिटी है इसलिए हम वापस नहीं दे सकते। दूसरा, ये ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी है। आप इतना तो रखिए ना श्योरिटी की, कम से कम अच्छे जगह जाएगी, अच्छे घर में जाएगी। चल ऑफिस। ठीक है मैम, थैंक यू। इस बछड़े को हम कल शाहपुर से रेस्क्यू करके लाए थे। इसके लिए हमें कॉल आया था कि ये जे मार्ट के सामने बैठा हुआ बड़ी देर से, उठ नहीं रहा है। तो हमने देखा तो थोड़ा हमें हल्का फुल्का गर्म लगा, हमने टेम्परेचर चेक किया, फिर हमने इसको उठाया तो हमें पता चला कि इसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो आज हमने इसका POP कर दिया क्योंकि फिर धूप नहीं निकल रही थी काफ़ी दिनों से, तो आज करना बेटर था क्योंकि फिर और डिले करते स्वेलिंग बढ़ जाती, फिर हम POP भी नहीं कर सकते थे। तो आज हमने इसका POP कर दिया। तो अभी हम इसको रखेंगे अपने पास ही जब तक ये पूरा रिकवर नहीं हो जाता। अभी हम उस काफ को कैनल में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि काफ शर्ट में काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं, तो अभी वो काफ छोटा है इसलिए उसको इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए हम इसको कैनल में रख रहे हैं। दूसरी बात कि कैनल का जो सरफेस है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है ताकि जो उसका यूरिन वगैरह है वो भी सारा अपने आप बाहर आ जाए और जिसका प्लास्टर है उसको गीला होने का खतरा भी कम हो जाए। स्वेलिंग हुई थी इसमें यहाँ पे, तो हम ड्रेन कर रहे हैं इसमें से जो फ्लूड सा निकल रहा है अभी। बस मा कुछ नहीं हुआ पर एक दोनों तरफ में थी, एक तरफ छोटी थी और एक तरफ काफ़ी बड़ी थी। तो छोटी वाली तो जल्दी सबसाइड होगी, बड़ी वाली अभी भी थोड़ी सी है, पूरी कम नहीं हुई है पर वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसका स्किन वापस आ गया? हाँ, पूरा सही हो गया है। अभी भी थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लेती है ये लोगों के साथ, लेकिन आई थिंक मैंने उसकी रिकवरी डेज से उससे दोस्ती करने की कोशिश की है तो अभी वो थोड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन शुड बी ओके, है ना मीटू? ये भी अडॉप्शन पे है? वो तो ज्योति बताएगी कि ये अडॉप्शन के लिए है कि नहीं। वापस रिलीज करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ कुछ दिन का टाइम रखा है क्योंकि हमारे पास अडॉप्टेबल में एक भी कैनल खाली नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को दो दो डॉग एक एक कैनल में रखने पड़ रहे हैं अडॉप्टेबल्स में। कितने दिन एक छोटे से केज में एक पपी को रखा जा सकता है? हमने बहुत सारे लोगों से बात की है इसके लिए, अगर कुछ नहीं होता है इन 2-3 दिनों में तो फिर हम इसको वापस रिलीज़ करके आएंगे, क्योंकि चांसेस हैं कि उसकी मदर वहीं है लेकिन हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताई गई है। तो हम जो इन्फॉर्मर थे उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो खुद आके इसे अडॉप्ट करें। गरोह में एक कपिल है जिन्होंने हमें फ़ोन किया था एक कैट अडॉप्ट करने के लिए, तो वो आए थे उसको लेने के लिए। उनके पास ऑलरेडी एक बड़ी कैट थी तो हमें थोड़ा डाउट था कि कूल कैट उससे एडजस्ट होगी कि नहीं, लेकिन वहाँ पे भी वो एडजस्ट हो गई है, सो अब वो सेटल है वहाँ पे। हाउस शेड का प्लिंथ और ये जो पिलर्स हैं ये तो खड़े हो गए हैं। अब इसके लिए जो टीम है वो आ गई है और जैसे जैसे फंडिंग आती रहेगी हम इसको बिल्ड करते रहेंगे। हॉस्पिटल की जो रूफ़ है ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, इस पर स्लेट लग गए हैं, बारिशों से पहले हो जाना चाहिए था पर बीच बीच में बड़े सारे चैलेंजेस आए, हमारी आर्किटेक्ट भी चली गई एंड प्लाई मिलने में हमें बड़ी दिक्कत हुई, इंसुलेशन वर्कआउट नहीं करी। अब जैसे ये इंसुलेशन है हमने लगाई थी, ये नीचे की साइड होनी चाहिए थी ताकि अंदर काफ़ी लाइट रहती, बट दैट डिडंट वर्कआउट, तो हमें प्लान चेंज करना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ छत का जो स्ट्रक्चर है इसका, वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
एक चीज जो मैं और एड्रेस करूंगा ना, बड़े सारे लोग हमें कह रहे हैं कि भाई आप इतना लोहा यूज कर रहे हो, सीमेंट यूज कर रहे हो, अनसस्टेनेबल है ये। डेफिनेटली अनसस्टेनेबल है, पर देखिए मैं अपना घर नहीं बना रहा, तो ये जो सफरिंग फुटप्रिंट है इसका जो आउटपुट है वो एक हॉस्पिटल है जो आने वाले दसियों सालों तक सफरिंग कम करेगा। तो ये मेरा रैशनल है। खैर ये छत का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ब्लैक लेयर दिख रही है ना, इसके नीचे इंसुलेशन है। ये जो ब्लैक लेयर है ये बिटुमिन शीट है, तो ये हमें वाटरप्रूफिंग दे रही है। इस समय हमें बिटुमिन शीट भी कई जगह से काटनी पड़ी क्योंकि जो प्लाई थी वो सही से नहीं लगी, जिसमें गैप था, तो बिटुमिन शीट काटी, प्लाई दोबारा लगाई, ऊपर से दोबारा बिटुमिन शीट लगी। ऊपर लकड़ी का फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क में स्लेट ठुक रहे हैं और अभी भी बड़ी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप देखोगे वो कॉर्नर जो है नीचे ढलक गया, तो अब इसको जैक से उठा के फिर एक मेंबर वेल्ड करके सपोर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे छत जो है इनफैक्ट गलत डल गई थी क्योंकि नक्शे में बहुत प्रॉब्लम थी। ये जो स्लैब है इसकी हाइट ज़्यादा थी, तो यहाँ पे छत ऊपर नीचे थी, तो अब ये ठीक हुआ है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं अब अपडेट्स में कम आऊँगा क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस इस कंस्ट्रक्शन में और मैनेजमेंट में है।